किसान साथियों, ये वाला जो आप धान देख रहे हैं ये 26 जनवरी को बुआई वाला धान है। सीधी बिजाई की गई थी, बाली अच्छी खासी आ रही है, मतलब सीधी बिजाई के हिसाब से बहुत बेहतरीन बाली आ रही है। वैरायटी 1156 है। और तना छेदक की बात करें तो तना छेदक इस बार जो है अच्छे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया गया है तना छेदक को इस बार देखते हुए, लेकिन कोई खेतों में जो है बिल्कुल भी 1 से 2% तना छेदक है, और कोई खेतों में तो फिर आपको 10 से 20% भी तना छेदक देखने को मिलेगा। अब उसका कारण क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है इंसेक्टिसाइड ने कभी सही से वर्क नहीं किया, तो हमने जो है तरह तरह का इंसेक्टिसाइड जो डाला था, लेकिन कुछ हद तक तना छेदक तो कंट्रोल है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 से 20% कई खेतों में दिखाई दे रहा है, कोई खेतों में जो है तना छेदक नहीं दिखाई दे रहा है। बालियों की बात करें तो बालियाँ अच्छी है, बालियाँ निकल भी रही है और बहुत से बालियाँ जो है दूध भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मई एंडिंग तक जो है हमारे एरिया में भी जो है धान की कटाई हो जाएगी। बात करें धान की बुआई की तो 35 से 40 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ बुआई किया गया था, और आप हमेशा 35 किलोग्राम भी जैसे बुआई करते हैं, ज़्यादा घना बुआई नहीं करते हैं, तो बाली अच्छी आती है, तो DSR भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। और ये देख पा रहे हैं इस खेत में जो है अभी बालियां निकल रही है, और बहुत से खेतों में बालियां निकल गई है, दूध बनना स्टार्ट हुआ है। सभी को 26, 25, 24 ऐसे बुआई की गई थी, तो लगभग मई एंडिंग तक सभी को हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। फसल बहुत अच्छी है, तना छेदक कुछ हद तक कंट्रोल है, कुछ खेतों में जो है लग रही है। यहाँ साथियों आपके फसल का अपडेट जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना है, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।